होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम बैक टू ड्राइव जिंदगी। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ द ट्रैवलिंग एसेंशियल सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे आई शेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रैवलिंग। तो आज का वीडियो इज समथिंग लाइक, यू नो, लास्ट टाइम आई ट्रैवल टू ईस्ट सिक्किम, वहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं फेस किया था। यू नो, वन ऑफ दोज डेज इन द होल ट्रिप आई स्टेड इन नाथांग वैली, जो 13,100 फीट की ऊंचाई पे है। द स्टे वॉज इन ए होम स्टे एंड प्रोबेबली द टेम्परेचर दैट, मतलब रात के टाइम पे 8-9 बजे रात के, इट वॉज लाइक प्रोबेबली -5, -4, सो इट वॉज चिलिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड था, मेरा तबीयत खराब कर रहा था। एंड दैट टाइम आई वॉज, मतलब बहुत मन कर रहा था यार कोई मेरे को हीटर ला के दे, कोई आग जला दे, बॉन फायर कर ले, कुछ कर ले यार, मतलब गर्मी चाहिए मेरे को। बट दैट टाइम आई didn't have a heater, किसी के और के पास भी नहीं था, जहाँ पे रह रहे थे उन लोगों के पास भी कोई सुविधा नहीं था। सो दैट वॉज द टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट आई नीड टू कैरी समथिंग। बट अब हीटर साइज में बहुत बड़ा होता है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैरी राइट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। अब इसमें क्या है खोलने के बाद ही पता चलेगा, बट दिस इज एक्चुअली अ पोर्टेबल हीटर। अब ये काम करता है भी या नहीं वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे छेद किया हुआ है पहले से, डिजिटल LED भी डिस्प्ले भी आता है यहाँ पे, एंड देन विस्पर क्वाइट, शायद ये क्वाइट होगा, मतलब इसमें आवाज़ नहीं होता है। हाई एंड लो स्पीड, ओके, स्पीड कंट्रोल्स, सेफ सिरेमिक हीटिंग एलिमेंट, सेफ कूल प्लास्टिक हाउसिंग, ऑटो शट ऑफ, सो हैंडी हीटर नाम है, बहुत सारा कुछ लिखा है यहाँ पे और भी। सो लेट्स सी, ओके, सो देयर कम्स द इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसका हालत देखो आप, मतलब बहुत ही खराब कंडीशन में दिया गया है, पता नहीं है सेकेंड हैंड है, थर्ड हैंड है, कुछ है। ओके, सो दिस इज़ हाउ द हीटर लुक्स लाइक। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, एज यू कैन सी यहाँ पे, अगर इसको दबाओगे तो आप इसको घुमा भी सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसको ऐसे भी प्लग इन कर सकते हो। अगर आपका सॉकेट ऐसा है, यू कैन प्लग इट लाइक दिस ऑल्सो बाई क्लिकिंग इट लाइक दिस, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट। सो दैट्स अ रियली गुड यूजफुल फीचर जो बहुत जगह काम लग सकता है। दैट्स ऑन ऑफ स्विच एंड दैट्स अ स्पीड कंट्रोल, दैट्स अ टाइमर प्लस माइनस, और यहाँ पे एक फैन दिख रहा है मेरे को, दैट्स ऑल। 400 वाट का है, सो इट्स गोना कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ पावर, यू नो, एंड दिस इज, ये तो होना ही है और क्या ही करे। डू नॉट कवर, इसको हाथ से ढक के नहीं रखने का, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है। सो इसको टेस्ट करके ही पता चलेगा कि इतना काम करता है नहीं करता है। तो अब बात यह है कि मेरे रूम में जो ये सिर्फ एक ही प्लग पॉइंट है, और इसी से एक्चुअली एक्सटेंशन बोर्ड लगा के सब कुछ यहाँ पे चलता है, तो यहाँ पे लगाने का कोई ऑप्शन है नहीं, सो यहाँ पे लगाते हैं। इसमें थोड़ा बड़ा है, मेरे को लगा था इससे थोड़ा छोटा होगा। ओके, ये चालू हो गया एंड ऊपर भी यहाँ पे दिख रहा है 25, इसको अगर मैं 30 कर देता हूँ, 30 होगा तो आई गेस, यस, सो 30 तक हो रहा है। एंड हाँ यार, काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा, बट इसका थ्रो सिर्फ यहाँ तक है, इफ यू कैन सी द डिस्टेंस, सिर्फ यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि हाँ गर्म हवा आ रहा है। बट आई थिंक इसको अगर चला के रखो घर में तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट कर सकता है, बिकॉज इट इज़ रियली हीटिंग, यहाँ तक मतलब हाथ नहीं रख पा रहा हूँ मैं, इट इज़ रियली हॉट। एंड यहाँ पे कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है, वेयर इज़ द टंगस्टन एलिमेंट और समथिंग, जो हीट हो रहा है एंड द एयर इट इज़ थ्रोइंग आउट। सो इसको बना के देखते हैं कितना टेम्परेचर तक ये जाता है। सो 32 इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे, एंड नीचे देखते हैं 15 डिग्रीज इज़ द मिनिमम, सो 15 से लेके 32 तक ये हीट करता है, बट 15 डिग्री पे भी यहाँ पे मतलब गर्म हवा आ रहा है, सो आई डोंट नो दैट। और यहाँ पे टाइमर है, स्पीड इज लो स्पीड, हाई स्पीड, लो स्पीड और हाई स्पीड दो स्पीड है यहाँ पे। एंड इफ आई टॉक अबाउट टाइमर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो दिस आर लाइक आवर्स, एक मतलब एक घंटा, दो घंटा, दो घंटा तक चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अब ये 15 पे ही चल रहा है बहुत देर से, बट फिर भी यहाँ पे गर्म हवा दे रहा है, so I don't understand this, but it's doing the job perfectly fine. और यहाँ पे एक स्विच है, तो इसको बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगा। एंड यहाँ पे सावधानी से हाथ देना, बिकॉज दिस प्लेस इज रियली हॉट। सो जब आप फिर से चालू करते हो, ये 25 से चालू होता है, 25 इज एक्चुअली द डिफॉल्ट टेम्परेचर, बट काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मतलब यहाँ पे हाथ नहीं रखा जा रहा मेरे से, सो इट्स अ गुड परचेस। बट एग्जैक्टली कितना काम आएगा नहीं है, बिकॉज हमारे घर में अभी इसको चलाना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये
फॉर श्योर है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग टू अ डिफरेंट प्लेस जहाँ पे टेम्परेचर बिलो जीरो जा सकता है, मतलब फॉर श्योर जाएगा, इसलिए मैं खरीदा इसको। सो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करके देखेंगे कितना काम करता है नहीं करता है। सो ताकि आप मिस ना करो, सो डू सब्सक्राइब, अभी से सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। ऑल्सो बेल आइकन हिट करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन एक्चुअली में मिले। सो दैट्स ऑल, एंड यहाँ देख रहे हो अगर कुछ कुछ अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ। एंड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, फर्स्टली द लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख लो, यू कैन परचेज इट। एंड सेकंडली द प्राइस आई बॉट इट, प्रोबेबली इट वॉज 699 प्रोबेबली। सो थोड़ा महंगा लगा मेरे को कंसिडरिंग द बिल्ड क्वालिटी, बिकॉज ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, लिखा हुआ है कि ये प्लास्टिक है बट ये फिर भी जलेगा नहीं, टेम्परेचर के हिसाब से ही बनाया गया है। बट जो भी हो, इट्स अ वेरी वीक क्वालिटी, तो सावधानी के साथ आपको ले जाना होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये फट जा सकता है। सो नॉट अ वेरी हार्ड क्वालिटी का प्लास्टिक इज़ यूज, बट फिर भी काम चलने लायक है एंड इट डज द इट इज़ डूइंग द पर्पज रियली गुड। एंड वन मोर थिंग, ईस्ट सिक्किम का मैंने एक पूरा ट्रैवल सीरीज बनाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख, कोई आया है दरवाजे पे तो जाके देख लो, बड़ा मजा आएगा आपको। इंस्टाग्राम में फॉलो करना ताकि आपको छोटे मोटे अपडेट्स मिलते जाएं। एंड टिल द मैं अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरब जिंदगी। थैंक यू।